सर व्लॉग तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो गाइस आज का व्लॉग है मेरा जिम के लिए, और गला मेरा ख़राब है ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, माइंड नहीं करना ठीक है। तो जो डाइट वगैरह प्रोटीन वगैरह जो सीन है, जिम दिखाऊंगा आपको कौन कौन सी मशीनरी आई है, वो न्यू जिम बनी है, बड़ी अच्छी जिम है। पहले भी एक दो दफ़ा मैं शायद अपने व्लॉग में लेके आया हूँ, फिर से मैंने जिम शुरू किया है। डोले शोले बनाने हैं, समझा करो, ये देखो बाहर आ रहे, फटना जाए कमीज यार, डर लग रहा है ठीक है। तो गला मेरा ख़राब हुआ यार, कुछ करो। बाकी मैं डाइट ओके और ही ले रहा हूँ फुल, वो भी आपको सारा सामान दिखाऊंगा डाइट का जो भी है। इस टाइम मैं शॉप पे बैठा हूँ, फ़ैन ऑफ किया था कि आपको आवाज़ सही आए। बाकी ये आदिल भैया जा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम कर दो आदिल भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऐसे नहीं, फुल जोर के अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? हाँ ऐसे भाई को। तो भाई तो ऊंचे बंदे हो गए ना, ये तो वेले मुंडे के व्लॉग में भी आया ना, जाके देखना व्लॉग। आपने देखा आदिल वाला व्लॉग जिसमें आप आए हो? क्या नेम क्या है उसका? वेले मुंडे। और उसका नहीं पागल, उसके व्लॉग का थंबनेल क्या दिया उसने, वो नहीं देखा? हाँ बस न्यू ही है, दो तीन लोग जाके देख लेना आदिल के व्लॉग में भी आया ठीक है। वो आम सा बंदा मुझे मिलने आता रहता है वेला मुंडा, मैंने कहा मैंने नहीं मिलने में, बस टाइम नहीं होता ठीक है, तो मैं बिजी होता हूँ ना इस वजह से। बाकी डाइट मैं ओके वाली ले रहा हूँ, 70% होता है डाइट के ऊपर डिपेंड करता है, और उसके बाद 30% जो करता है वो होता है जिम के ऊपर। जिम जो होता है वो एंगल देता है जो, और डाइट के ऊपर होता है वो आपको मतलब शेप देता है फुल, कैसे बॉडी ब्रेक करनी है, मोटी करनी है, जो भी हिसाब किताब होता है, मजबूत करनी है, जो सीन होता है ठीक है। बाकी बादल मैं आपको दिखाता हूँ, गर्मी तो बहुत है इस साइड पे, बादल ही बादल ठीक है। ये बादल हैं फुल, और ये चौधरी सूरज साहब भी निकले, तेरी खैर हो, गर्मी बहुत ज़्यादा यार, दोबारा अंदर आके बैठते हैं। तो मैं आपको शाम टाइम मिलता हूँ, मैं आपको सीन दिखाता हूँ जो भी सीन है जिम का। और बाकी यार मैंने आपको कहा था मेरे व्लॉग पे कॉपीराइट दे दिया यूट्यूब वालों ने, पता नहीं मैंने यूट्यूब वालों के पैसे भी नहीं देने, फिर भी 80 व्यूज़ आए तकरीबन, और कॉपीराइट दे दिया उन्होंने। पहला व्लॉग था जिसमें मैंने इतनी मेहनत करके एडिट किया था, वो भी जाके ज़रूर देखें आप। पिछले उसका थंबनेल था उसका मुझे याद नहीं आ रहा यार, पिछला व्लॉग हाँ आई एम बैक वाला, वो जाके देखें ज़रूर। अजाने हो रही हैं तो मैं अपनी बकबक बंद करता हूँ भाईजान, अजाने हो चुकी हैं। बाकी मैं आपको जाके जिम पे जिम से पहले कोई सीन हुआ अच्छे वाला तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, और दुआ करना बादल भी आ जाए, बादल तो आए हैं चाचू, बारिश भी आ जाए। हाँ ठीक है, बारिश भी आ जाए फिर आपको जाके जिम पे मिलता हूँ, सीन दिखाता हूँ क्या सीन है। तो भाई साहब मुझे 3 घंटे हो चुके हैं मैं शॉप पे बैठा हूँ, बाबा जान अब तक नहीं आए, बबल खा रहा हूँ मैं इस टाइम ठीक है, फेस भी थोड़ा पतला करना ठीक है। तो उसके बाद आप सीन देख सकते हैं, मैंने कवर लगाया हुआ, थोड़ी मिट्टी मिट्टी महसूस हो रही होगी, मैं कवर उतारता हूँ अभी, जिम जाने का टाइम हो रहा है, सिर्फ घंटा रह गया फिर हम जिम चलते हैं। तो गाइस बाबा जान अभी आ गए हैं ठीक है, अभी बाइक खड़ी की है उन्होंने, तो मैंने अभी एक एग खाना होता है पहले, वो खा लिया जिम जाने से पहले, और गर्म पानी होता है इसमें 3-4 चीज़ें डलती हैं वो डाली हैं। अब मैं जाता हूँ जिम पे यार, मैं इसी वजह से बस कवर नहीं लगाता, आप देख सकते हैं इस जगह पे डस्ट है, ये देखो तो ये सही नहीं रहता, बार बार जाली महंगी लगाई हुई है, इस वजह से कवर उतारना पड़ता है, इसलिए उतार दिया एक दफ़ा ही यार, मजबूरन कवर लगाना पड़ा, फिर दस्त दस्त फील हो रही होगी। अभी लेने जा रहा हूँ शेबी को, शेबी भाई को, उससे ले आऊँ फिर जिम डायरेक्ट इंशाल्लाह। मैं भी लेने आया हूँ शुएब भाई को, शुएब भाई का घर पहले दूर था, अभी उन्होंने यहाँ पे लिया, माशाल्लाह सही घर है इनका, तो अब चलते हैं। ये आ गया शुएब भाई, वालेकुम अस्सलाम भाई, हमारे घंटा ला तो उजैर भाई आए हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, जल्दी किया करो यार टाइम नहीं होता। तो भाई साहब हम आए हैं जिम के बाहर, तो भाई सबसे पहले मैं अकेला जाता था, फिर उजैर शुएब रोशन फहम लोग सारे आने लग गए, तो कल सब आएंगे, आज हम तीनों आए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अगले व्लॉग में ज़रूर। तो अब जिम दिखाता हूँ मैं आपको अंदर से, पहले कोई आता नहीं था जब मैं अकेला आता था, हौली हौली सारे आने लग गए, आंस भी शायद आए, अब चलते हैं। ओए शेब भाई इधर आओ, इधर आ, अब बाइक नीचे खड़ा करते हैं, पता ना होंडा सिविक है, नीचे जगह बनी उधर खड़ा करते हैं। तो आपका भाई जिम के अंदर एंट्री कर रहा था हीरो की तरह, यहाँ पे एंट्री कर ली है। तो ये गाइस ये हैं गेम में जहाँ पे हम क्रिकेट खेलते हैं,
पहले आके गर्म होने के लिए क्रिकेट खेलते हैं, बहुत मजा आता है, जालियां शरें लगी हैं, ठक ठक जहाँ मर्दी मारो बॉल छोल, वीआईपी माहौल। तो ये है जिम, आप देख सकते हैं माहौल ऐसा है जिम का, और प्यारे भाई को भी देख सकते हैं अपने। मशीनरी बहुत ज़्यादा है, और मज़े की बात यह है कि न्यू मशीनरी है, ठीक है। तो ट्रेनर है जिनके फौजी हैं रिटायर, लेकिन मैं उनसे नहीं लेता, मैं उमैर भाई से लेता हूँ, ये जो उमैर भाई खड़े हुए थे ना बड़े वालों वाले, बड़े जिनकी बॉडी थी उनसे। तो यहाँ पे गाइस मैं लगा रहा था ये छाती की, मतलब जो सीना होता है ना उसकी होती है ये, तो इसके सेट लगाए हैं तीन, हर किसी के तीन तीन सेट लगाने होते हैं ना। ट्रोज़र शर्ट मैंने पहना हुआ था, ट्रोज़र शर्ट पहन के आता हूँ, शलवार कमीज फुल गिली रहती है पसीने से, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये थी बैक की कमर की, ठीक है, मिक्स लगाते हैं ना न्यू इस वजह से, फिर बाद में वन बाय वन लगाएंगे। तो उसके बाद में बाय बाय अपने आप को देख रहा था, क्योंकि मैं लग रहा था अपने आप को क्यूट, बॉडी आप देख सकते हैं बाकी अपने भाई की, ठीक है। अभी 15-20 दिन ही हुए हैं और सही वीआईपी माहौल हो गया, क्योंकि डाइट वगैरह ये वो सही प्रोटोकॉल के साथ में कर रहा हूँ, मुझे शौक है, ठीक है। एक तो होता है ना ज़बरदस्ती, मुझे शौक है, और मेरे बाबा जान को भी शौक है कि जिम जाऊँ, पहले वो नहीं जाने देते थे कद रुक जाएगा ये रुक जाएगा, अब उन्हें पता है इतना बड़ा कद है माशाल्लाह। तो जो गाइस ये वाली एक्सरसाइज है ये शोल्डर की, जैसे कि आपने देखा होगा रोमा रिंग वगैरह, मतलब जैसे कि खचमच होती हैं उनके एंगल बने होते हैं पीछे से, वैसे इस चीज़ की होती है शोल्डर की। ये शबी भाई फुल थका हुआ था क्योंकि इसका तीसरा चौथा दिन था, और ये उज़ैर चांद देख सकते हैं आप, चांद बाहर छोड़ने जा रहे हैं, मैं बोल ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने शुएब भाई को उतार दिया, उज़ैर रह गया, अब उज़ैर की बारी है, उज़ैर को उतारता हूँ। तो मुझे देखते देखते तकरीबन 11-12 दोस्त हो चुके हैं, मैं आपको अगले व्लॉग में एक एक की शक्ल दिखाऊंगा कि जैसे इनका हिसाब किताब हुआ है ना। पहले तो आते ही नहीं थे, मिनते चिंते करके करता आ जाओ, नहीं आए, मैं अकेला आने लग गया, सारे आने लग गए। ये मेरा सामान है डाइट का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, रोज़ाना मिल्क के अंदर शेक करना है इसको, शेक पीना है इसका, ठीक है। बाकी ये आप देखने सामान एक तो आप भी क्या करें, बड़ी मजबूत चीज़ है, डोले शोले बनते हैं, ठीक है। जिसने बनाने हो तो वो ये सामान ज़रूर ले, अक्सर घरों में होता है, जिनके पास नहीं है वो ले ले, मज़े करे फुल चिल। ये फिर मैंने चला दिया इसको, अब थोड़ी सी देर के अंदर इसको ठंडा करके वीआईपी करके पीऊँगा। तो आप देख सकते हैं सीन कुछ ऐसा है, अब मैं चुस्कियों से सुकून सुकून से अपनी टिकटॉक देखूंगा, बड़ा मज़ा आता है अपनी टिकटॉक देख देख के बार बार। तो यहाँ पे हो गया सुबह, तो आप देख सकते हैं मैं स्कूल जाने का टाइम हो चुका था, बादल है सुबह सुबह, गेट ओपन करते हैं, देखते हैं बाहर का क्या सीन है। बाहर तो भाई कोई सीन नहीं है, बच्चा ना बच्चे की ज़ात, ये तो फिर सुबह का नाश्ता, दो एग होते हैं, साथ दूध होता है, साथ ब्रेड होती है, ब्रेड वगैरह मैंने खानी है। तो मैं लेट हो चुका हूँ, बैग शैग पहन के फ़रार होने लगा हूँ स्कूल की तरफ, केड़ी शेड़ी पहन लिया, रेडी शेडी हो गया हूँ, पापा बच्चा बन के स्कूल जाना होता है समझा करो। फिर मैं स्कूल से आ गया हूँ, आते सारे मैंने खाना पीना शुरू कर दिया, दब गया, मतलब डे एंड नाइट वगैरह ये वो, डाइट वगैरह मतलब ज़्यादा मैं डाइट का ख्याल रखता हूँ ना, इस वजह से इस तरह की चीज़ें नहीं खाता। तो ये चिकन की बनी होती है, चिकन है इसमें, दाल है, और इसके बाद इसमें दो तीन चीज़ें और हैं, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, आलू हैं और क्या होता है, बस जो भी है डाइट के अंदर ही होता है, ये मैंने ना बनवाया जिम वाले से। सुबह सुबह बादल आप देख सकते हैं कुछ यार। तो चलो गाइस अब आपको बता ही जाते हैं, मैं बता ही देते हैं कहाँ जा रहा हूँ मैं। तो मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने चौधरी नाई के पास, तो यहाँ पे हम आए चौधरी नाई साहब था ही नहीं, फिर एक मैं तो इसी से आप कटवाना शुरू हुआ था, लेकिन मेरे साथ एक दो दफ़ा मैंने इससे कटवाया, पहले दानियाल भाई के पास जाता रहा, दानियाल भाई की शॉप भी बंद थी, फिर आकाश हमाम पे आए हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छा मुझे तो ये लगता है जो ओरिजिनल बात है। तो बाइक खड़ी किया यहाँ पे, मैं आके बैठ गया हूँ, आईफोन मेरे हाथ में था, ठीक है, मुझे अपने आईफोन से बहुत मोहब्बत है सीरियस वाली। तो आप मुझे देख सकते हैं गाइस, बाल में जानवर बना हुआ था जंगी, तो बाल कटवाते हैं अभी, फिर छोटा सा बच्चा हुआ था, कहता अंकल जी मम्मा ने मुझे भेजा जल्दी जल्दी बाल काट दें, थोड़े काटना। ये मुबशर भाई हमारे क्लास वालों हैं, ठीक है, तो ये भी मिलने आ चुके थे, तो आप बाल चेक कर सकते हैं, फुल कटवा लिए हैं यार, ज़्यादा काट दिए भाई ने, कहा इतना नहीं था, लेकिन कोई नहीं, चलो बड़े हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो ये हमारे चौक का हिसाब किताब है, मोहतरमा मरियम नवाज जो कि पंजाब की जो भी हैं, ठीक है, ठेकेदार हैं जो भी हैं, तो ये उन्होंने सफाई शफाई करवा दी इधर फुल, जो भी रेडी शेडी वाले थे खोखे शोखे सब उठा के ऊपर है हमारे
इधर हम आ गए थे 804 पता नहीं सर पता। तो भाई साहब यहीं पे करते हैं व्लॉग एंड, तो फिर हम मिलते हैं हम आपको अगले व्लॉग में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। अल्लाह हाफिज़।